नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 35वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर तक गए मुकाबले में रोमांचक अंदाज में हरा दिया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कोलकाता ने दिनेश कार्तिक और इयन मॉर्गन की तेज तर्रार पारियों के दम पर 163 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 163 रन बनाकर मैच टाई किया। सुपर ओवर में हैदराबाद की टीम महज 2 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलकाता के लिए तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने सिर्फ 3 गेंदों पर 2 विकेट निकालकर मैच को वहीं खत्म कर दिया था। कोलकाता ने चौथी गेंद पर आसानी से 2 रन लेकर जरूरी रन बना लिए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अता को इतनी रोमांचक मैच में जीत मिली। मैच के पहले हीरो रहे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन। जी हां, लॉकी फर्ग्यूसन इस आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे और पहले ही मुकाबले में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और सिर्फ 4 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। सुपर ओवर में भी लॉकी फर्ग्यूसन ने कमाल की गेंदबाजी की और कोलकाता को जीत के लिए सिर्फ 3 रन मिले थे। मैच के दूसरे हीरो रहे दिनेश कार्तिक। जी हां, दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में सिर्फ 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर कोलकाता की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया था। कार्तिक ने मॉर्गन के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। कार्तिक ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। मैच के तीसरे हीरो रहे कोलकाता के कप्तान इयन मॉर्गन। जी हां, इयन मॉर्गन ने इस मुकाबले में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की और अंतिम ओवरों में कार्तिक के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की। इयन मॉर्गन ने 23 गेंदों पर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। ये मॉर्गन और कार्तिक की पारी का ही असर था कि टीम 160 के पार पहुंच सकी थी। मैच के चौथे और अंतिम हीरो रहे ताकि ओपनर शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल ने इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी जिसके आधार पर टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। हालांकि शुभमन गिल उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे जैसा वो अमूमन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक छोर को संभाले रखा था और पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी कर टीम को एक तगड़ी शुरुआत दिलाई थी। शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली जिसमें 5 चौके लगाए। तो ये थे कोलकाता के वो 4 हीरोज जिनकी बदौलत उन्हें इतनी शानदार जीत मिली। आपको बता दें, इस जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में अब 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। कोलकाता के 9 मैचों में 5 जीत वहीं 4 हार के बाद अब 10 अंक हो गए हैं। टीम प्लेऑफ की दौड़ में काफी मजबूती से आगे बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।